Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Zaite. Today, we are going to discuss about the quantum yield. So, what is meant by quantum yield? By definition, number of molecules reacting per quantum energy absorbed, or number of moles reacting per Einstein of energy absorbed. अब ये तो हो गई definition. लेकिन concept क्या है quantum yield का? तो यील्ड मतलब क्या होता है? किसी भी कोई मशीन हो, कोई रिएक्शन हो, अगर उसकी यील्ड कम या ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? तो यील्ड ज्यादा मतलब क्या कि हमने कम रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट ज्यादा मिला? इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब यील्ड ज्यादा है. और यील्ड कम है, लो यील्ड है, ये कब होगा? जब रिएक्टेंट हमने ज्यादा यूज किया और प्रोडक्ट कम मिला. तो यील्ड मतलब क्या है कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया और प्रोडक्ट कितना मिलेगा, उसके बेसिस पे हम लो यील्ड है क्या, हाई यील्ड है हम बता सकते हैं. तो क्वांटम यील्ड, अब ये क्वांटम यील्ड मतलब क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी. अब फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? सनलाइट चाहिए. तो सनलाइट क्या करेगा? रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? प्रोडक्ट तैयार करेगा. मतलब ये रिएक्शन के लिए हमें क्या लग रहा है? स्टार्टिंग में लाइट लग रहा है, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट लग रहा है. और उसके बाद रिएक्टेंट वो सनलाइट लेगा, प्रोडक्ट मिलेगा. फिर ये जो हमने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की और कितना प्रोडक्ट मिला, इसका कंपैरिजन अगर हमने किया तो उसके बेसिस पे हम उसकी क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं. कि सपोज उसने लाइट कम एब्जॉर्ब की, फॉर एग्जाम्पल पहले केस में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट ने लाइट कम एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट ज्यादा दिया, इसका मतलब उसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी? हाई हो गई. अब लो क्वांटम यील्ड कब होगी? जब उसने लाइट बहुत सारी एब्जॉर्ब की लेकिन प्रोडक्ट कम दिया. मतलब लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगी और कितना प्रोडक्ट देगा, उसके बेसिस पे हाई क्वांटम यील्ड या लो क्वांटम यील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं. मतलब क्वांटम यील्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कि लाइट कितने एब्जॉर्ब करेगा और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो गए. जैसे फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब कितनी क्वांटम ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो गए, उसे बोलेंगे उसकी क्वांटम यील्ड. नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब. अब देखिए, जब मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बोलेंगे तो वो क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ये कंसेप्ट रहेगा. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वन क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी में फर्क है. वन क्वांटम ऑफ एनर्जी कितनी होती? ए इज इक्वल टू एच न्यू. और आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एक मोल के लिए, मतलब E इज इक्वल टू एन एच न्यू. मतलब जो भी एवोगैड्रो नंबर है एन ए, उससे हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब हमें क्वांटम को हम कन्वर्ट करेंगे आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी में. मतलब ये मॉलिक्यूल के लिए है. मॉलिक्यूल के लिए क्या डेफिनेशन है? मॉलिक्यूल्स के लिए क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हम, और मोल्स के लिए आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. मतलब नंबर ऑफ मोल्स की अगर निकालना है तो आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो क्वांटम ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी. दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टाइन में मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू एन एच न्यू. मतलब जो भी क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसको मल्टीप्लीकेशन करना है एवोगैड्रो नंबर से. तो ये दो डेफिनेशन है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन केस ऑफ मोल्स. ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड. तो क्वांटम यील्ड मतलब क्या है कि कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की और कितना प्रोडक्ट उसने तैयार किया. कम से कम लाइट एब्जॉर्ब करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अगर तैयार किया तो उसकी क्वांटम यील्ड ज्यादा होगी. और ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट कम दिया, मतलब क्वांटम यील्ड कम होगी. फिर कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे तो क्वांटम ऑफ एनर्जी, और मोल्स के बारे में देखेंगे तो आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, उसके फॉर्मूला क्या है? By definition, the quantum yield phi, it is generated by phi.
अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए दो फॉर्मूलेज है, दो होने ही वाले हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए एक मोल के लिए। अभी डेफिनेशन के अनुसार अगर मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे तो फोटोन ऑफ एनर्जी लेंगे या क्वांटम ऑफ एनर्जी लेंगे, और मोल्स के बारे में देखेंगे तो आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी लेंगे। तो पहला फॉर्मूला देखिए, फाइ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज और फॉर्म और रिएक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब कितने फोटॉन्स ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए या डिकम्पोज हुए या फॉर्म हुए, उसे बोलेंगे क्वांटम यील्ड। दूसरा फॉर्मूला फॉर मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज और फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर उसको आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मोल्स के लिए अलग और मॉलिक्यूल के लिए अलग। दस वी कैन कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड फ्रॉम, मतलब क्वांटम यील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहली द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन अ गिवन टाइम, रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज हुआ उसका अमाउंट चाहिए, और सेकंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ सेम टाइम, यानी उसी टाइम में कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और कितने रिएक्टेंट डिकम्पोज या कितने रिएक्टेंट रिएक्ट हुए। अगर ये दो कंसेप्ट हमें मिले तो डायरेक्टली एक डिविडेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय अ केमिकल सिस्टम एज फोटॉन्स, ये तो है कि जो भी रेडिएशन एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं उसे किस फॉर्म में लेते हैं, फोटॉन्स के। देयरफॉर वी शुड नो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटॉन और अ मोल ऑफ फोटॉन, मतलब फोटॉन या फिर आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी ये हमें पता चाहिए। तो इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स देखिए क्या है, सेम फॉर्मूले है आइदर मोल और मॉलिक्यूल, तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं। एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, एक उसी एक ही फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। व्हेन अ सब्सटेंस ए वाज एक्सपोज टू लाइट, जब भी हम कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले सबसे पहले गिवन लिखते आना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या निकालना है। तो प्रॉब्लम है व्हेन अ सब्सटेंस ए इज एक्सपोज टू लाइट, मतलब ए नाम का सब्सटेंस है एक्सपोज टू लाइट, मतलब उसके ऊपर लाइट एक्सपोज किया है। अब देखते हैं बाद में क्या है। 0.002 मोल ऑफ इट रिएक्टेड, यही पे दिखाया कि क्या दिया है, 0.002 मोल, मतलब हमें मोल दिए हैं कितने हैं, 0.002 मोल ऑफ इट रिएक्टेड इन 20 मिनट्स एंड 4 सेकंड। अब ये क्या दिया है, टाइम है, तो हमारे पास टाइम दिया है, मोल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या है। इन द सेम टाइम ए एब्जॉर्ब 2×10^6 फोटॉन्स ऑफ लाइट पर सेकंड, जो हमें टाइम दिया है 20 मिनट एंड 4 सेकंड, उतने टाइम में ए कितना एब्जॉर्ब करता है, 2×10^6 फोटॉन्स ऑफ लाइट पर सेकंड, एक सेकंड में इतना एब्जॉर्ब करता है। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन, एवोगाड्रो नंबर दिया है तो क्वांटम यील्ड हमें निकालना है। तो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। अब पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 0.002 मोल दिए हैं, हमें चाहिए क्या, मॉलिक्यूल्स। अगर इस मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्टिंग 0.002, ये मोल था, मोल को हमने कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल में, इसलिए इनटू एन, एन मतलब एवोगाड्रोस नंबर, तो ये आ गया 0.002×6, 6.02×10^23। तो हमने मोल दिया था तो मोल को कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल में, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकंड, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसका यूनिट देखना हमेशा। तो ये देखिए क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकंड,
कितना है, 2 × 10⁶। इतने फोटॉन्स 1 सेकंड में एब्जॉर्ब होने वाले हैं पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 × 10⁶ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए। तो हमें गिवन टाइम कितना है, 20 मिनट्स एंड 4 सेकंड, इतना गिवन टाइम है। तो इतने सेकंड में कितना होगा, ओके 20 मिनट्स एंड 4 सेकंड को हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1204 टोटल सेकंड्स हो गए। तो 1 सेकंड में इतना आएगा, 2 × 10⁶, तो 1204 इतने सेकंड में कितने आएगा। मतलब फिर से हमें 1 सेकंड के लिए फोटॉन्स एब्जॉर्ब दिए हैं लेकिन टाइम अलग दिया है, तो फिर इतने सेकंड के लिए कितना आएगा, 1204 के लिए कितना आएगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर, मतलब हमें जो भी दो गिवन वैल्यूज दिए थे, ये दोनों गिवन वैल्यूज एज इट इज हम नहीं ले सकते, उनको कन्वर्ट करना पड़ा। पहला मोल को कन्वर्ट करना पड़ा मॉलिक्यूल में, और दूसरा पर सेकंड। 1 सेकंड के लिए दिया तो हमें गिवन टाइम के लिए कितना था, तो वो उतने सेकंड से हमने फिर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मिल गया हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड कितने थे, ये 0.02 × 6.02 × 10⁷, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। फिर से वही 2 × 10⁶ × 1204, ये आ गया फाइनल आंसर 5 × 10⁻¹। और क्वांटम यील्ड की कोई भी यूनिट नहीं रहता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हेन इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, मतलब क्या दिया हमें, वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम। 1 × 10⁻⁴ मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज, क्या दिया फिर से हमें, मोल दिया, इतना है 1 × 10⁻⁴ मोल ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ इट्स क्वांटम इफिशियंसी इज 10, मतलब हमें क्या दिया, क्वांटम यील्ड दी है तो 5 दिया है। हैव आई गॉट द नंबर्स गिवन है, फॉर्मूला सेम होगा, 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और डिकम्पोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। अब इस बार हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए ये निकालना है। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब 5 की जगह जाएगा, 5 नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज डिवाइडेड बाय 5। अब पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज, कितने मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज हुए। तो हमें क्या दिया है, मोल्स दिया है, गिवन में देखिए क्या है, 1 × 10⁻⁴ मोल्स दिए है। अब मोल्स को क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो 1 × 10⁻⁴ इनटू 6.02 × 10⁷, हमें मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितने है, 6.02 × 10⁻¹⁹, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 5। 5 तो ऑलरेडी गिवन ही है, क्वांटम यील्ड कितनी है, 10। तो ये 6.02 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 5, 5 है 10। तो फाइनल आंसर आएगा 6.02 × 10⁻¹⁹। तो इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम क्वांटम यील्ड के ऊपर आएंगे। एक ही फॉर्मूला रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, एक डिवाइडेशन करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जेंस करने पड़ेंगे। और कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दी है, गिवन है वो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के क्या करते हैं वो, कि दे देते लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा सभी गिवन डाटा की हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। So in this way, you can solve the simple problems on the quantum yield by the simple formula. Phi is equal to number of molecules decomposed divided by number of photons absorbed. That's all for today. Thank you so much.